पंडित जी, संतों ने ऐसा ऐलान किया है फिलहाल कि 21 जनवरी से पहले वो मंदिर निर्माण का काम शुरू करने वाले हैं। क्या लगता है, ये सिर्फ बातें रहेंगी या इसका, ये मंदिर का भवितव्य क्या है? देखिए, राम मंदिर की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सालों से, पहले बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, आपने देखा कि उन दिनों भी बहुत से हिंदू संगठन, कह लीजिए बहुत सी सरकारें आई जिन्होंने राम मंदिर के ऊपर वोट लिए। अब धर्म संसद, परम धर्म संसद, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जगद्गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की अगुवाही में एक धर्म संसद का निर्माण हुआ, और कुंभ के मेले में उस संसद ने यह घोषणा की कि 21 तारीख कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन हम लोग मंदिर निर्माण की नींव रखेंगे, और उसी के दौरान चाहे हमको गोली खानी पड़े, जेल जाना पड़े, हम डेफिनेटली मंदिर निर्माण की जो तारीख है वो नहीं बदलेंगे। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गोचर और कुंडली का निर्माण देखा जाता है, कौन सी ग्रह, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह कहाँ जा रहा है। 19 तारीख को राहु और केतु बदल रहे हैं, और सॉरी 7 मार्च को राहु और केतु बदल रहे हैं, और शनि की डिग्रियाँ बदल रही हैं, और आगे आने वाले दिनों में भारत में लोकसभा का इलेक्शन है। इन सब चीजों को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2014 का इलेक्शन राम मंदिर के मुद्दे, एक मुद्दा वो भी था, उसके ऊपर लड़ा, और बहुत सी सरकारें जो हैं इस मुद्दे के ऊपर बनी और इस मुद्दे के ऊपर गिरी। पर आपको पंडित जी क्या लगता है, क्या भाजपा सरकार और ये जो आने वाला इलेक्शन है इसके ऊपर क्या असर हो सकता है? ये राम मंदिर के जो मुद्दा अभी फिलहाल ले लिया है बीजेपी सरकार ने, उसका क्या असर हो सकता है? डेफिनेटली आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, और बड़ा ये बहुत कम लोगों को इस ये सवाल जो है कम चैनल्स के ऊपर ये सुन पूछा जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक हिंदू ओरिएंटेड पार्टी है, चाहे आरएसएस की बात कर लीजिए, विश्व हिंदू परिषद की बात करें, और साथ में हम बजरंग दल की बात करें, इन सब जो जितने भी हिंदू संगठन हैं, हिंदू संगठन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करते हैं। मगर इस वक्त जो आपने सवाल किया, बहुत सुंदर सवाल था, इस वक्त हम अगर अच्छी तरह से इसका अध्ययन करें, 21 तारीख की ग्रह गोचर भी देखें, तो उसके सामने विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के सबसे बड़े नेता की बयानबाजी देखें, और आरएसएस ने भी शायद, वो भी मंदिर बनाने के लिए 4 महीनों में शुरुआत, मोहन भागवत जी ने भी, हाँ मोहन भागवत जी ने भी कुछ बयान किया है कि 4 महीने के अंदर मंदिर बनाएंगे, पर मोहन भागवत जी ने मंदिर बनाने की शपथ जो है वो 4 महीने, मतलब कहने का कि इलेक्शन के बाद ली है कि हम इलेक्शन के बाद करेंगे। हाईकोर्ट का ऑर्डर है मंदिर बनाओ, और वहाँ यहाँ तक के अहमद का सवाल है कि वहाँ पर खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद राम के अवशेष निकले, उन्होंने इवन मतलब कहने का कि मुस्लिम संतों ने भी ये कहा है कि वहाँ पर खुदाई होने के बाद भगवान राम के अवशेष निकले हैं, वहाँ पर भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। अब सवाल उठता है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, किसको राम से पड़ी है, यहाँ तो स्वार्थ चल रहा है, यहाँ तो इलेक्शन लड़े जाते हैं। अब बात जो है उन लोगों के हाथ में आ गई है जिनके राम आराध्य है, जो राम को स्वार्थ के माध्यम से नहीं पूजते, इस बात का ध्यान रखिए आप, जो भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, स्वरूपानंद सरस्वती, स्वामी अभिभुक्ता अभिभुक्तमेश्वर, और साथ में बजरंग दल, साथ में विश्व हिंदू परिषद, उसके ऊपर मोहन भागवत, इन लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आए या ना आए, हम 21 तारीख को वहां पर शिलान्यास रखेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, जब संत समागम, जब संतों का संगठन, जो हिंदू राष्ट्र और हिंदू लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है विश्व भर में, विश्व हिंदू परिषद पकड़ लीजिए, धर्म संसद, जगतगुरु शंकराचार्य हमारे गुरु हैं, स्वरूपानंद सरस्वती, उनकी अगर बात उस दिन का आपने अगर देखा हो तो बड़े उनके तेज तेवर थे, मगर 2 तारीख कृष्ण पक्ष की द्वितीय और 21 तारीख फरवरी की,
उसका अगर मैं गोचर बनाता हूं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का बहुत बड़ा विवाद होता हुआ दिखाई देता है। आपको मित्रों याद होगा कि मैंने 2019 राजमंत्र के विशेष अंक में बोला था कि इस साल जो राजा होगा वो शनि होगा और मंत्री जो है वो सूर्य होगा। सूर्य और शनि की युति जब भी होती है तो उस साल में डेफिनेटली दंगों का माहौल बन जाता है, लोग आपस में लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुद मंदिर बनाने के लिए आतुर है, मगर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के ऊपर हियरिंग होती जा रही है। अब भी आपने देखा होगा कि जस्टिस बोर्डवे जो थे वो बीमार हो गए। जिस दिन हियरिंग थी जस्टिस बोर्डवे बीमार हो गए, उसकी वजह से तारीख वापस आगे चली गई। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि ये विवाद में संतों को भी कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। ये विवाद और बढ़ सकता है और ये तीनों चारों लोग विश्वहिंदु परिषद, आरएसएस, बजरंग दल और स्वरूपानंद सरस्वती धर्म संसद के सारे अनुयायी, ये एक ना एक दिन इकट्ठे होकर सरकार की ना सुनकर वहां पे मंदिर का निर्माण करेंगे। मगर 2 तारीख को कहीं ना कहीं ये वाद विवाद जो है और बढ़ सकते है। मैं कृष्ण पक्ष की द्वितीय बोल रहा हूं, 21 फरवरी कृष्ण पक्ष की द्वितीय, यानी अगर हम पंचांग के हिसाब से चलें, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कृष्ण पक्ष की द्वितीया है उस दिन, और कहीं ना कहीं उस दिन से अगले 7 दिनों तक वहां पर संत और हिंदू संगठन जो है अपना डेरा डालकर बैठ जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा विवाद और बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी अगर वहाँ पे शिलान्यास उन्होंने रख दिया। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम जेल भी जाएंगे और गोली भी खाएंगे, क्योंकि राम हमारे आराध्य हैं, हमारा आगे कोई नहीं, हमारा पीछे कोई नहीं, राम हमारे पिता हैं, राम हमारी माता है, राम हमारा सब कुछ है। आपने सुनी होगी उस दिन बातें। तो इन सब चीजों का हम समावेश कुंडली के माध्यम से करते हैं तो 21 तारीख जो है वो डेफिनेटली कन्या राशि गुरुवार उत्तर फागुनी नक्षत्र के दिन कृष्ण पक्ष की द्वितीय, सूर्य और सूर्य जो है वो शनि की राशि में पहले मकर में था फिर कुंभ में होगा, बुध जो है गुरु की राशि में अपने शत्रु की राशि में बैठा होगा और शनि जो है गुरु की राशि में यानी कि धनु राशि में बैठा होगा। तो कहीं ना कहीं ये विवाद जो है पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर दिखाई देता है। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम या किसी भी तरह का सांप्रदायिक माहौल जो है वो बिगड़ सकता है, देश में अशांति फैल सकती है, क्योंकि ये इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ स्टार, आई एम नोबडी टू एक्सप्लेन यू इट, ये जो है ये ग्रहों की प्लेसमेंट बता रही है कि जब शनि के घर में सूर्य बैठे हैं, बुध के घर में गुरु बैठे हैं और गुरु के घर में बुध बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारा समावेश जो है ये कोई ना कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है, जो इस आंदोलन का लोग, मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करते हुए संत और हिंदू संगठन जो हैं विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि बहुत से संत जो हैं वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी कहीं ना वो भी कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी द्वारा फोर्स करी जाती है, वो करी जाती है कि नहीं करी जाती, ये बयानबाजी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मगर डेफिनेटली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, लखनऊ खंडपीठ के ऑर्डर के मुताबिक वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। वहाँ पर मुस्लिम संगठनों ने भी जो रिसर्च की थी वहाँ पर राम के अवशेष हैं, इस मंदिर के लिए बहुत सी जाने जा चुकी हैं और बहुत सी जाने जा सकती हैं मित्रों, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा इलेक्शन जो है इस मुद्दे के ऊपर लड़ा जा सकता है। पंडित जी, जैसे आपने कहा बहुत राजनीति और वाद विवाद इसमें सब हो चुके हैं, ये मंदिर के लिए बहुत लोगों ने अपनी जानें दी है, पर सामान्य लोगों को ऐसा लगता है ये मंदिर होगा या नहीं होगा, क्या लगता है आपको, और होगा तो कब होगा? देखिए ऐसा है कि ये मंदिर होगा और इसी साल में होगा कुंडली के हिसाब से,
कोई ना कोई बीच का रास्ता निकलेगा जिसमें हमारे मुस्लिम भाई भी साथ देंगे और ये मंदिर का निर्माण होगा। देखिए 6 दिसंबर को जब ही मस्जिद ध्वस्त की गई, उस वक्त जितने भी नेता मस्जिद के को ध्वस्त करने में खड़े थे, उनमें से लालकृष्ण अडवाणी भी, आप फुटेज खोल कर देख लीजिए, लालकृष्ण अडवाणी भी थे। उनकी अगुवाई में वहाँ पर मस्जिद तोड़ने का और मंदिर बनाने का आंदोलन शुरू हुआ था। इसलिए एक बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये धर्म संसद और बजरंग दल, ये एक ही सैफरन के झंडे के नीचे खड़े हैं। तो डेफिनेटली हमारे देश में 250 से पौने 300 साल अंग्रेजों ने राज किया, 700 से 800 साल मुगलों ने राज किया। आज भी जो है, अगर हम हिंदू जनसंख्या की बात करें तो आज भी भारत में कहीं ना कहीं 78, मतलब मोटा मोटी देखा जाए 78-82% जो है हिंदू आबादी है। तो राम मंदिर जो है ये बहुत से लोगों की आस्था का कारण भी है, और अगर बीजेपी के राज्य में राम मंदिर नहीं बनता है तो डेफिनेटली लोगों को कहीं ना कहीं लोगों के दिल में बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। अब आपका सवाल जो है ज्योतिषीय आधार पर, क्योंकि ये कार्यक्रम ज्योतिष के ऊपर टिका हुआ है, इसमें डेफिनेटली 3 महीने में, यानी 21 तारीख से लेकर, 21 फरवरी से लेकर मार्च 1, अप्रैल 2 और मई 3, ये 3 महीनों में इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि इस वक्त के ग्रह जो हैं वो इतने सालों से, ये इस तरह के ग्रह जो हैं पंचांग में और गोचर में आए नहीं थे अभी तक।